without you, I will look so funny. Oh, my money, you are my real honey. Without you, I will look so funny. Oh, my money, wow, you are my real honey. Wow. Without you, who will look at me? Oh, my money. Wow. You are my real honey. Wow. Without you, who will care of me? Wow. My money. Wow. Oh, dearest Paramatma, I will love you all the times, at every moment, at every step, if you will give me money. Oh, my dearest Paramatma, I will hate you, hate you, hate you, if you will not give me money. Oh, my dear, you are my real honey. Without you, who will look at me? हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शुक्रवार का। ये जो कविता मैंने बनाई इंग्लिश में, ये हमारा बहिर्गामी जीवन, इस पृथ्वी पर मनुष्य का मन का जीवन, जिसमें पैसों का बहुत महत्व, और ये महत्व हम मनुष्यों ने खड़ा किया। आप देखो, पंछी का जगत, पशु का जगत, सब जगत चल रहे हैं विदाउट मनी, और जो मनुष्य का जगत है वो कल्पना का जगत है। पूरा जीवन मनुष्य का कल्पना में, विचार में पूरा हो जाता है। जैसे जैसे हम जागते हैं, समझते हैं, विचार विलीन होते हैं, पता चलता है परम संपदा क्या है। अर्थात आज का शुक्रवार परम संपदा को स्मरण करने का दिन। शुक्रवार का अर्थ होता है शक्ति पुंज, और जो परम संपदा का अर्थ है, जो आत्मिक गुण है, जो सदा से हमारे साथ है और सदा रहेंगे। मैं ऐसा कहूँगा, आज का दिन हम संतोष के साथ नहीं जी सकते, प्रतिपल संतोष का अनुभव। और इसका प्रारंभ करना है भोजन से। जब भी हम भोजन करें तब ये देखना है कहाँ पर संतोष प्रकट होता है, कि बस अब भोजन नहीं लेना है, बहुत हो गया, और उस संतोष का दर्शन ठीक से करना है। जैसे ही आत्मिक गुण ऐसा है, तुमने एक पाया, तुमने सब कुछ पाया। जैसे कि तुमने संतोष पाया, जितने प्रमाण में तुमने संतोष पाया, उतने ही प्रमाण में तुमने आनंद पाया, उतने ही प्रमाण में तुमने उत्साह पाया, उतने ही प्रमाण में तुमने जीवन जीने का उल्लास पाया। तो आज का दिन शुक्रवार, आप मानो न मानो मेरी बात, लेकिन मैं कहता हूँ, ये जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, इतने युग बीत गए, लेकिन आज का शुक्रवार प्रथम समय अवतरित हो रहा है हमारे सबके लिए। परमात्मा की महामूल्य भेंट मिल रही है हम सबको, ताकि हम जीवन की यात्रा को समझ सके, हम कहाँ से आ रहे हैं और जीवन की यात्रा करते करते हमें कहाँ पर पहुँचना है, कहाँ पर जाना है, ये समझ सके। इस जीवन का अद्भुत स्वाद हम इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में ले सके, इसके लिए परमात्मा की महामूल्य भेंट। इस तरह से समझे, हमारे पास कितना रुपया है, हमारे पास कितनी संपदा है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम हमारी संपत्ति का उपयोग क्या करते हैं, हम हमारे पास एक रुपया भी है तो उस रुपया का हम उपयोग क्या करते हैं, उस पर ध्यान देना शुरू करें। जो कुछ भी मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, इसका ठीक तरह से, ठीक दिशा में उपयोग करना, ये दृष्टिकोण से जीवन को जीना है। संपदा का ठीक रास्ते पर उपयोग, रुपयों का ठीक रास्ते पर उपयोग, हमें देखना ये है। हमारे पास जितने रुपये है, जितनी संपदा है, अब हमें ये देखना है हमारे हृदय में भय कितना है, कितनी चिंता है अभी भविष्य के लिए, कितना भय है अभी भविष्य के लिए। सच में तो हमारे हृदय से
भय पूरा का पूरा साफ हो जाना चाहिए। इस शरीर की समाप्ति से पहले हम अस्तित्व से प्रार्थना करें कि जो हमारे हृदय का भय है, चिंता है, वो पूरी समाप्त हो जाए। आज का दिन हम स्मरण रखें, हमारे जीवन में कभी भी वापिस नहीं लौटेगा, इसलिए आज का दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी मेरी हार्दिक भावना, ऐसी मेरी हार्दिक कामना। आज का ये शुक्रवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, ऐसी भावना हम सब मिलकर भावना करें, प्रार्थना करें। आज के दिन इस पृथ्वी पर कोई प्राणी, पंछी, मनुष्य का मृत्यु अकस्मात से न हो, सब अपनी जीवन यात्रा प्राकृतिक रूप से पूरी करें, प्राकृतिक रूप से जीवन की यात्रा को समझ सके, ऐसी भावना प्रार्थना। आज के दिन मनुष्य के जीवन में कोई भी क्राइम न हो, जिसे हम गुनाह कहते हैं, चोरी, डकैती, बलात्कार, मर्डर, खून, मनुष्य के जीवन में ये न हो, कोई भी मनुष्य आत्महत्या से अपना जीवन पूरा न करे, ऐसी हम अस्तित्व से भावना करें, प्रार्थना करें। सब मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्वास्थ्य ठीक रहे, ताकि पृथ्वी का वातावरण प्रत्येक दिन, प्रतिपल सुंदर बनता जाए, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना प्रार्थना अस्तु।